कुछ? हाँ, मेरा किरदार एक एड एजेंसी में काम करने वाला आदमी है जो ये समझता है कि वो अपने काम में अच्छा है और लोगों को भी उस काम का आदर करना चाहिए. थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा गंभीर भी है, थोड़ा सा गुस्से वाला भी है, लेकिन वो बहुत ही रोमांटिक किस्म का आदमी है. हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता. इसका जो पूरा सेटअप है, इस फिल्म का जो सेटअप है और इसकी कहानी का जो सेटअप है, इसमें एक अलग तरीके का लुक चाहिए, एक अलग तरीके का की चाल ढाल चाहिए. जिस तरह का लुक आप अमूमन कमर्शियल फिल्मों में देखते हैं, लेकिन मुझे परेशानी नहीं होती. मेरा मानना है कि मैं एक मिट्टी का बना हुआ हूँ. आप जहाँ ढालेंगे मैं ढल जाऊँगा. मेरा काम है अभिनय करना. अगर कुछ अच्छा लगेगा मैं जाकर के वहाँ ढलने की पूरी कोशिश करता हूँ. जैसे मैंने आपको कहा कि पिंजर और जुबेदा दो ही फिल्में हैं जो कि जिसके निर्देशक ऑफबीट फिल्म मेकर्स इनको कह सकते हैं. आप मेरे हिसाब से वो ऑफबीट फिल्म मेकर्स भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं. और यही दो फिल्में मैंने लीक से हट के की थी. बाकी सारी फिल्में जिनके साथ ही मैंने किया है वो बहुत ही हार्डकोर मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स हैं. ये है कि जितने भी मैंने रोल्स किए वो सारे लीडिंग रोल्स थे, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके जो किरदार थे बड़े सशक्त, वो बहुत ही चुनौती भरे किरदार थे. इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने बहुत ही संजीदा चरित्र निभाए. जो चरित्र मैं दीपक की फिल्म में कर रहा हूँ वो भी बहुत ही संजीदा है, बहुत ही सशक्त है, बहुत ही चैलेंजिंग है. शिल्पा का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ. मैं शिल्पा को ये कह भी चुका हूँ मुझे, और उन्होंने मेरी एक फिल्म शूल में बहुत ही अच्छे गाने पे उन्होंने अभिनय किया था और वो गाना बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था. और तो मेरे लिए वो लकी मैस्कॉट है. और दूसरा, शमिता के साथ मैंने अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, बेवफा, धर्मेश दर्शन जी की. शमिता के काम से मैं वाकिफ हूँ, हम दोनों एक दूसरे से वाकिफ हैं. शिल्पा के साथ में वो वाकफियत है, एक तरीके का ईजीनेस है साथ में काम करने का. तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ती है एक दूसरे को जानने में. हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं.